बेस कटिंग करना है। बेस कटिंग करने के लिए इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर लिया है, सिंगल न्यूज़पेपर है। यहाँ से इसे फोल्ड कीजिए, वन फोल्ड, फिर इसे ऐसे फोल्ड कीजिए तिरछा, टू फोल्ड, फिर एक और फोल्ड कीजिए, थ्री फोल्ड। इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ से लूँगी मैं 10.5 इंच। अगर आप बड़ा मैट बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10.5 इंच। तो यहाँ से 10.5 इंच पे निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर लीजिए। लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाइए इस तरीके से, और इसे कट कर दीजिए। हल्का सा गुलाई, तो ये मैंने यहाँ से कट कर लिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला ये पीस इसमें से अलग कर लीजिए, सिर्फ ऊपर वाला। ये मैंने एक ऊपर वाला पीस इसमें से, ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया। तो ये हमारा एज अ ड्राफ्ट यूज होगा। तो हमारा स्ट्रिप्स 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जो भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 4 स्ट्रिप्स कटिंग की हैं, इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी विड्थ है 3 इंच और लंबाई आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ एक स्ट्रिप की मैंने कितनी ली है, 16.5 इंच। अगर आपके टुकड़े इससे लंबे या छोटे हैं तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लंबाई मैटर नहीं करती, लेकिन इसकी विड्थ 3 इंच होनी चाहिए हर एक स्ट्रिप की। तो अब आपको क्या करना है, पहले इन चारों स्ट्रिप्स को आपको आपस में अटैच करना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4। तो पहले हम इन्हें चारों को आपस में अटैच करेंगे। तो इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, तो ये अटैच हो जाएगी। उसके बाद ये वाली इसके ऊपर रखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। फिर ये वाली रखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से कि ये स्क्वायर पीस हमारे पास आ जाएगा। स्ट्रिप ज्वाइन कर ली। अब आपको क्या करना है, जो हमने पहले ड्राफ्ट कटिंग किया था इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, नीचे से और ऊपर से बराबर छोड़ते हुए इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी देना है। तो 1/4 इंच का ये मेरी ड्रॉ लाइन है, यहाँ से 1/4 इंच मैंने इसमें मार्जिन दिया है। इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसे दोबारा से इस तरीके से इसके ऊपर रखिए यहाँ पे, और इसकी कटिंग कर लीजिए। टू, अब इसे ऐसे रखिए। इस तरीके से, तो एक उसमें से, एक जो हमने पीस बनाया था उसमें से मेरे 3 पीसेस कट हो गए। ये हमारे ऐसे जॉइन होंगे, 1, 2, 3, और इसमें हम और पीसेस भी जॉइन करेंगे। और अपना ये देखिए, सेम इस साइज की मैंने ये लाइनिंग कट कर ली। लाइनिंग वाला कपड़ा इसके ऊपर रख के इसे कट कर लिया। अब आपको क्या करना है,
यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों तरफ सिर्फ एक तरफ से खुला रहने दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और एक सिलाई यहाँ, एक सिलाई यहाँ, एक सिलाई यहाँ, तो 1, 2, 3 और 4 चार सिलाइयाँ इसमें लगा के। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक एक सिलाई बीच में, तो इस तरीके से देखिए पॉकेट सी बन गई हैं, 1, 2, 3 और 4। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी आपके पास पुराना कपड़ा पड़ा है तो आप उसकी कतरन बना सकते हैं, तो इस तरीके से छोटी छोटी कतरन बना के, कोई भी पुराना वेस्ट कपड़ा पड़ा है, कोई पुरानी कुर्ती पड़ी है, साड़ी पड़ी है, उसमें से इस तरीके से छोटी छोटी वेस्ट कतरन आप इसमें फिल कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी कतरन ली और इसमें फिल कर दी, छोटी छोटी बिल्कुल आपको कतरन लेनी है, इस तरीके से करना है और इसमें आपको फिल कर देना है। तो या तो आप इसमें इस तरीके से कतरन फिल कर सकते हैं, या रुई होती है, पॉलीफिल होती है, आप वो फिल कर सकते हैं। तो इनमें 1, 2, 3 और 4 चारों में जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है इसे फिल कर, इस तरीके से मैंने इसमें पॉलीफिल फिल कर दी है, थोड़ी सी कतरन और थोड़ी सी पॉलीफिल। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई मशीन से सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, तो ये हमारा एक पीस रेडी हो जाएगा। जैसे ये रेडी किया है ऐसे ही बाकी के पीसेस भी रेडी कर लिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिए हैं, तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारे पीसेस चाहिए। अब हमें इसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर, ये सिलाई लगा ली मैंने, तो ये मेरे दो पीसेस अटैच हो गए। अब एक और पीस लीजिए इस तरीके से, इसे इसके ऊपर रखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, तो 3 पीसेस हो जाएंगे। फिर एक और इसी मैंने तीसरा भी अटैच कर लिया। आप एक और पीस लीजिए इसी तरीके से, सेम यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, तो ये 4 पीसेस हो गए। तो इसमें यहाँ और लगेंगे पीसेस, और कितने पीसेस लगाने, जब ये सेमी सर्कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाए आपको इसमें उतने पीसेस रखिए। मेरा रेडी हो गया, इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीसेस लगाए हैं और ये मेरा सेमी सर्कल रेडी है। अब आपको क्या करना है, सेम इसी साइज़ की मैंने लाइनिंग कट की है, कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो आपके पास घर में वो आप यूज़ कर सकते हैं, जितना बड़ा मैट है इस तरीके से इसके साइज़ का मैंने ये पूरा कट किया। आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों तरफ इस पर सिलाई लगा लीजिए, ताकि लाइनिंग वाला कपड़ा हमारा इसके साथ अटैच हो जाए और जो इसके रफ एजेस हैं सारे अंदर कवर हो जाए। तो यहाँ से इसे मैं ऐसे सिलाई लगाना शुरू करूँगी, सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आपको सिलाई, देखिए मैंने इस तरीके से कपड़ा इसके साथ अटैच कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा जितना भी बाहर को, इसे प्रॉपरली कट कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा है उसे प्रॉपरली अच्छे से कट कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ कैसे फिनिश करना है, उसके लिए देखिए मैंने सेमी सर्कल कट किया, इसे थोड़े से बड़े साइज़ का आपको कट करना है ताकि हमारे रफ एजेस छुप जाएं। तो इस तरीके से इसे बड़े साइज़ का कट किया, एक पीस लाइनिंग का कट किया है, तो इसे आपको क्या करना है, इसे रखा लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली, अब इसे सीधा कर लीजिए, ये सीधा कर लिया। अब इसमें भी कतरन या पॉलीफिल जो भी आप फिल करना चाहते हैं वो इसमें डालिए, फिल कर दीजिए, कपड़े की कतरन भी आप डाल सकते हैं इसमें इस तरीके से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगी, मेरे रेडी हो गया। अब इसे इसके ऊपर रखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, चारों तरफ इसके सिलाई लगा के इसे अटैच कर लीजिए, तो ये हमारा मैट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे साइडों से फिनिश, ये देखिए मैंने सर्कल अटैच कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब हम इसे साइडों से फिनिश करेंगे। उसके लिए इस तरीके से मैंने पट्टी कटिंग की है, ये 2.5 इंच की पट्टी है, तो ये पट्टी रखी, इसके ऊपर ये रखा इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा दीजिए, नीचे पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधी तरफ को फोल्ड कीजिए और जितनी मोटी भी आप पाइपिंग रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा ली। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब हम इसे साइडों से फिनिश करेंगे।
साइडों से कैसे फिनिश करना है, सेम इसी तरीके से पट्टी ली है मैंने, सिर्फ ये मैंने बायस में लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरफ से उल्टी तरफ से इस पट्टी को रखिए यहाँ से, और इसे आराम आराम से खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगाते हुए दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ तक इस पट्टी को सिलाई से अटैच करनी है। यहाँ से लेके पूरा एंड तक यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए इस तरफ को, और जितनी आपको पाइपिंग चाहिए मोटी इस तरीके से बनाते हुए। तरीके से एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा लीजिए, तो ये साइडों से भी मेरा फिनिश हो जाएगा और मेरा मैट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साइडों से मैंने इसे सिलाई लगा लिया, तो इस तरीके से मेरा मैट बिल्कुल रेडी टू यूज है। हाफ सर्कल मैट बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्रंट साइड बैक साइड चारों तरफ से फिनिश है, ये बिल्कुल रेडी टू यूज है।